सर, शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की। माँ शारदा दुर्गा देवी मंदिर मंडीदीप दीप नगर वार्ड क्रमांक 1 में मंदिर स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर के प्रमुख ने बताया कि 7 वर्ष पूर्व इस मंदिर की स्थापना की गई थी। प्रति वर्ष 5 और 6 दिसम्बर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। पिछले वर्ष यहाँ पर राम जानकी दरबार और पंचमुखी हनुमान मंदिर की भी स्थापना की गई। अध्यक्ष राम मणि द्विवेदी ने बताया कि मंदिर के लिए शारदा कल्याण समिति का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य, जिसमें डॉक्टर अभिजीत पटेल को संरक्षक बनाया गया। तो अध्यक्ष ने कहा कि संरक्षक ने हमें सही प्रकार से सहयोग और समर्थन दिया है, हम उनके आभारी हैं। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर से अखंड रामायण एवं 6 दिसंबर को समापन के साथ मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। IN7 न्यूज के लिए मंडीदीप रायसेन से नेत्राम पटेल की रिपोर्ट। और मैं राममणि त्रिपाठी जी का, पुष्पेन तिवारी जी का इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इस मंदिर के यहाँ पे बनने से यहाँ पे काफ़ी ऊर्जा आई है, यह बहुत अच्छा यहाँ पे लगने लगा है। और मैं तो चाहता हूँ ये मंदिर फले फूले, लोग आएँ यहाँ, अधिक से अधिक आशीर्वाद लें, और ये यहाँ के बहुत अच्छे मंदिरों में से आगे बने, ये हम सब की कामना रहेगी। बड़ी जिम्मेदारी, हम तो भगवान के सेवक हैं, ईश्वर ने जो भी मौका दिया है उसको ज़रूर निभा रहे हैं, सभी का कर्तव्य है ये। तो कल्याण समिति का नाम है हमारे इसमें, समिति गठित हुई है, उसका हमारे सभी समिति के सदस्य जो हैं उन्होंने हमें अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए और जवाबदारी दिए हैं, और हमारे समिति के सारे सदस्य हैं, उनका भरपूर सहयोग मिलता है और मिल रहा है। हमारे यहाँ क्षेत्र के भी लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है, और ये माँ का दरबार और बजरंगबली सभी का यहाँ पर स्थापना हुआ है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग इनका स्थापना दिवस हर 5-6 तारीख दिसंबर को मनाते हैं, तो इस बार भी अभी अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, 24 घंटे यह चलेगा, कल समापन होगा और इसके बाद 1 बजे से भंडारा चालू होगा। लगभग कितने सदस्य? ये हमारे 15 सदस्य अभी हो गए हैं, जिसमें कि हमारे संरक्षक, हमारे